नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज पीसीएम का चौथा पेपर हुआ है, तो आज लेवल में क्या चेंजेस हुए हैं, कल से जो पिछले तीन पेपर्स हुए हैं उनमें लेवल में कोई चेंजेस आए हैं, या ट्रेंड जैसा पिछला चल रहा था वैसा ही ट्रेंड फॉलो हुआ, वेटेज में क्या वेरिएशन हुए, आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इन तीनों लोगों से सारे पेपर्स के रिव्यूज पूछूंगा, किस तरीके से इनके क्या रहे, उसके बाद हम लोग एक एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग डेली डिस्कस करते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल में आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो हमारी तरफ से एनालिसिस मिलेगा, अभी इनके तरफ से हम लोग इनका रिव्यू जान लेते हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, कि कौन सा पेपर टफ था, कौन सा इजी था, कौन सा पोर्शन इजी टफ हुआ, यही सारी बातें हम लोग यहाँ पर पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी से ये है कि अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो तीनों में बताना कि आपका पेपर इजी था, मॉडरेट था या टफ था। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि फिजिक्स कैसा था आपके लिए? फिजिक्स मॉडरेट टू टफ था। फिजिक्स मॉडरेट टू टफ। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री सर मॉडरेट। मॉडरेट। मैथ्स? मैथ्स इजी। मैथ्स इजी, ठीक है। आप बताइए। सेम, मैथ्स इजी था, केमिस्ट्री वही मॉडरेट था, और फिजिक्स मॉडरेट टू टफ। सेम आपका भी? केमिस्ट्री तो सर इजी टू मॉडरेट बोलेंगे हम। अच्छा, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर देखा है इसलिए इजी टू मॉडरेट हो जाता है, क्योंकि जो तीन चार दिन से जो अभी पैटर्न चल रहा है, आप लोग जो वीडियो चल रहा है देख रहे हैं, सबको जो रिव्यू हो रहा है, इस बेसिस पे अगर जैसे क्वेश्चन अगर सब तैयारी करेगा तो आराम से इजी ही बोल देगा बहुत बच्चा। अच्छा, ठीक है। मतलब इनके हिसाब से कि जो एनालिसिस थी उस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि पता चल गया था क्या ट्रेंड चल रहा है पेपर का, तो उस हिसाब से इनके लिए केमिस्ट्री इजी गई है, बाकी वही फिजिक्स मॉडरेट टू टफ में जा रही है, मैथ जो है वो इजी कैटेगरी में जा रहा है। मतलब ओवरऑल अगर हम बोलेंगे तो केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट, फिजिक्स मॉडरेट टू टफ, मैथ्स हमारा इजी पोर्शन में गया है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के साथ। इसमें पोर्शन वाइज वेटेज की अगर हम बात करेंगे तो पिछले तीन पेपर्स में देखा गया कि ऑर्गेनिक का वेटेज काफी बढ़ा हुआ रहा, फिर इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल। क्या आज क्या वेटेज का पोर्शन रहा? ऑर्गेनिक लगभग आज कितनी देखने को मिली है सर? डेली जो भी पेपर हो रहे थे उनके कंपैरिजन में आज ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कम थे, 14 से 15 क्वेश्चन थे। 14-15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक लगभग ऑर्गेनिक का जो सेक्शन था उससे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे। आज इनऑर्गेनिक ज्यादा था। इनऑर्गेनिक में मेजर दो चैप्टर, कोऑर्डिनेशन और पी ब्लॉक, तो किसके वेटेज को उन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया? पी ब्लॉक के क्वेश्चन जो थे, जो अभी तक ट्रेंड था कि पी ब्लॉक के क्वेश्चन 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, उसको सर मतलब इस बार जो है वो पी ब्लॉक के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, ज्यादा पूछे गए हैं। अच्छा, ठीक है। सेम चीज? यस सर, सेम ट्रेंड। मतलब सबसे ज्यादा आज जो है वो इनऑर्गेनिक रही? Yes, कि ऑर्गेनिक नहीं, जो वेटेज था वो ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का ही ज्यादा, क्योंकि उसका वैसे भी वेटेज ज्यादा है, क्योंकि पूरी एक बुक ही वही है। तो मतलब 15-17 क्वेश्चंस के आसपास हम बोलेंगे ऑर्गेनिक आज जो है वो गई है, और लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास इनऑर्गेनिक। नहीं, 15 क्वेश्चन है सर, बट हां 8-10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक, 10 क्वेश्चन अप्रोक्स। अच्छा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में सर जो नेम रिएक्शन का ट्रेंड था वो आज भी मतलब नहीं दिखा, एक दो क्वेश्चन ऐसे मैचअप के आए थे तो वो केवल था, और एक ऐसा क्वेश्चन आया था ये रिएजेंट टाइप का, बाकी नेम रिएक्शन ऐसे जो होता है कि नेम रिएक्शन के क्वेश्चन, मतलब वो एक सेट पैटर्न वाले जो आसान क्वेश्चन था वो पैटर्न नहीं रहा, अच्छे क्वेश्चन से पूछना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए, अच्छी बात है ये। फिजिकल केमिस्ट्री का आज वेटेज डाउन रहा? हां सर, 3-4 क्वेश्चन अप्रोक्स पूरे फिजिकल से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चंस थे, और दो पेपर्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जो मैंने बातचीत किया, जो मैंने क्वेश्चंस नोट किए हैं, तो इन दोनों को मैं बताऊं तो इन दोनों ने मुझे लगभग 13 क्वेश्चंस जो है वो नोट करवा दिए फिजिकल केमिस्ट्री में, 13 क्वेश्चंस। और इनके हिसाब से कि इनके में फिजिकल केमिस्ट्री के मैक्स टू मैक्स 5-6 क्वेश्चंस थे इनके हिसाब से, इनके में टोटल तो अप्रोक्स 8-10 थे उसे फिजिकल से। फिजिकल से सर, फिजिकल से 3-4 क्वेश्चन काइनेटिक्स से थे, 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थे, और यही मतलब ठीक है, कुल मिला के मिला जुला लगभग फिजिकल केमिस्ट्री वैसा ही रहा, जैसे 10-12 क्वेश्चंस का वेटेज रहा उसी तरीके से रहा। बाकी अभी मैं जब इनसे डिटेल में बात कर लूंगा, क्वेश्चंस में नोट डाउन कर लूंगा, तो मैं आपको एग्जैक्ट कितने क्वेश्चंस आए थे वो तो मैं आपको ही क्लियर केमिस्ट्री वाले एनालिसिस में बता दूंगा, क्योंकि होता क्या कि अभी ये लोग तुरंत सेंटर से एग्जाम दे के आ रहे हैं,
तो होता है कि तुरंत चीजें याद भी नहीं आती, समझ में भी नहीं आता, तो वो भी एक समस्या आती है। अच्छा बात करें दूसरे सब्जेक्ट की, मैथ्स के पेपर को जो इजी बोला गया कल, जो इजी बोला गया, तो उसका एक रीजन ये दिया गया कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से एज इट इज उठा के रखे गए। क्या आज भी वही चीज था? क्वेश्चंस एनसीईआरटी लेवल के आसान क्वेश्चंस थे सारे, इसीलिए पेपर आसान गया कहीं। ठीक है, अच्छा मैथ्स में एक ट्रेंड ये भी देखा जा रहा है कि जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के कई क्वेश्चंस उठा के रख दे रहे हैं। आज ऐसा था, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में डायरेक्ट जो मतलब डायरेक्ट सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, एक दो लाइनर क्वेश्चन है, बस ऐसे क्वेश्चंस आए थे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स। अच्छा एक घंटे सफिशिएंट टाइम था मैथ्स सॉल्व करने का? अच्छा इंटीग्रल कैलकुलस से कितने क्वेश्चन थे लगभग, मतलब उधर किसका वेटेज ज्यादा रखा, ज्यादा वो डेफिनेट का रखा या डिफरेंशियल इक्वेशन? वेक्टर थ्योरी बहुत कम था, इनसे जो ट्रेंड चल रहा था 3D वेक्टर, आज उसके एलपीपी का सर क्वेश्चन था, करीब 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन एलपीपी से पूछ लिया, 3 4 क्वेश्चन एलपीपी का था, बहुत इजी, उससे इजी क्वेश्चन एलपीपी से। अच्छा एलपीपी आई थी 3 4 क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था उसमें कि वो जो फीजिबल रीजन होता है उसका जो इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है ऐसा। ठीक है ठीक। और फिजिक्स की बात करें, क्यों वो मॉडरेट के टफ रेंज में जा रही है? जो मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन है उससे आज क्वेश्चन ज्यादा थे कम थे? सेमीकंडक्टर से ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे आज, बट मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग के 12-13 क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स से ही मिले। मॉडर्न फिजिक्स से 12-13 क्वेश्चंस, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, मतलब अगर आप थ्योरेटिकल की न्यूमेरिकल, सर थ्योरेटिकल ही क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल ऐसे नहीं थे कि आप कोई सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे उसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। पूरे पेपर में न्यूमेरिकल कितना होगा हमको लगता है 8-10 होगा, 8-10 प्रैक्टिकल से ज्यादा, बाकी सारा तो थ्योरेटिकल। मतलब ये तो चारों दिन ऐसा हो रहा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के वेटेज ज्यादा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वेटेज जो है वो कम है, ये एक यहां पर जो है वो जनरल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो मतलब फिजिक्स में उन्होंने कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डाल के पेपर को वो मॉडरेट से टफ की रेंज में जो लेकर जा रहे हैं, यही बातें हैं। ठीक है, तो आप अगर मैं आप लोगों से पूछूं आपका सबसे अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या हुआ है? मैथ्स देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स, सेम केमिस्ट्री मैथ्स देन फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री। इनका तो कुछ अलग ही है, जैसे लग रहा है केमिस्ट्री के प्रति इनका, क्योंकि जैसे सब लोग बोले इजी टू मॉडरेट, तो इनका केमिस्ट्री का इजी में, मेरा केमिस्ट्री इजी जा रहा है, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा था ना उस पे थोड़ा सा देखा गया, तो उस हिसाब से अगर क्वेश्चन ठीक है, मतलब आप पैटर्न को थोड़ा सा पकड़ ले गए उसके साथ आपका पेपर आसान है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप लोगों ने अटेम्प्ट कितने कितने किए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बताइए? केमिस्ट्री में 40 out of 40, फिजिक्स में 34, मैथ्स मैथ्स में 37 37 आप केमिस्ट्री में 37 मैथ्स में 34 फिजिक्स में 31 केमिस्ट्री में 38 और बाकी दोनों तो मेरा तो जैसे बायो है, बायो और एग्रीकल्चर है, तो ये तो। अच्छा मतलब आप जो है वो एक्स्ट्रा में दे दिए थे पीसीएम में, आपको मेन मतलब केमिस्ट्री से था। ठीक है चलिए, तो ये था आज अगर हम स्टूडेंट्स की तरफ से जो रिएक्शन होना चाहिए, जो इन्होंने इनके हिसाब से जो इनके पेपर के एनालिसिस, तो वो इन्होंने बता दिया। अब हम आपको अपने तरफ से पेपर के एनालिसिस अपने वीडियोज में सब्जेक्ट वाइज अब देंगे, तो उसमें बताएंगे किस 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 से कितने क्वेश्चन रहे और क्या क्या क्वेश्चन रहे, वो भी हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो अगला पीसीएम का पेपर होगा उसके रिव्यू के साथ हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।